तो स्टूडेंट पार्ट सेकंड में, हिस्ट्री के पार्ट सेकंड में हम लोगों को उन कंपनियों के बारे में स्टडी करना है जो भारत में बिजनेस करने के लिए आई, अन्य कंपनियां। तो हमको इसमें सबसे पहले पढ़ना है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो भारत में जो है बिजनेस करने के लिए आई थी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये बता दें कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फॉर्म हुई थी 1602 में, यानी कि 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और यह कंपनी जो थी, यानी डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसका जो मेन इंटरेस्ट था, जो प्रमुख रुचि थी, वो मसालों के से बिजनेस के लिए थी। यह जो है मसालों के बिजनेस के लिए भारत में आई थी। और यहाँ आकर के जो है कि यहाँ आने से पहले इसने जो है इंडोनेशिया में जो है कि के आइलैंड पे अपना जो है कि कब्जा किया था, वहाँ के से जो है ये मसाले का व्यापार किया करती थी। और भारत में आने के बाद जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने जो है कि अपना ट्रेडिंग पोस्ट था इनका, उसको उन्होंने कहाँ पे स्थापित किया, पुलिकट। एक होता है कालीकट, जिसको हमने पढ़ा था केरल, जहाँ पे वास्को डा गामा सबसे पहले आया था। ये जो है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो पुलिकट में आई थी, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो पुलिकट में आई, वेस्टर्न कोस्ट पे जो है कि है ना, वहाँ सॉरी ईस्ट कोस्ट पे। उसके बाद कोचीन में इन्होंने अपना जो है कि ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित किया, जो कि वेस्ट कोस्ट पे है। इसके बाद इन्होंने चिंसुरा और जो है कि सिरामपुर बंगाल में जो पड़ता है ये जगह, वहाँ पे इन्होंने अपनी जो है कि ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित की। और इन जगहों पे स्थापित करने के बाद इन्होंने क्या किया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऐसा समय आया कि 1660 यानी कि 1660 और उसके बाद का जो समय था, उसके बाद के समय में यह जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्टुगीज़ के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो वेस्टर्न कोस्ट थे, यानी कि जो पश्चिमी घाट थे, है ना, वहाँ पे जो पोर्टुगीज थे, उस कंपनियों का आगमन सीमित कर दिया, उनके अधिकार को इसने क्या किया, सीमित कर दिया। और जो डच थे वह सबसे अधिक प्रभावित अगर किसी राज्य से थे भारत के, तो केरला से थे। केरल जहाँ पे मसालों का सबसे अधिक पैदावार होता है, वहाँ से ये सबसे अधिक इंटरेस्टेड थे, सबसे अधिक इन्फ्लुएंस थे, सबसे अधिक प्रभावित थे। और वहाँ यानी कि केरल में जो है कि अपना प्रभुत्व ये लगातार जो है कि 1741 यानी कि 1741 तक लगातार अपना जो डोमिनेंट था वो वहाँ पे वो जमाए रहे, जब तक कि केरल में ट्रेवनकोर का राजा, केरल में एक जगह है ट्रेवनकोर, वहाँ का राजा ने इनको पराजित नहीं कर दिया। और ट्रेवनकोर का जो किंग था उसने ब्रिटिशों की मदद से जो है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ पे पराजित किया। और अंततः हुआ क्या कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उसके सेटलमेंट थे वह उसको ब्रिटिश के हाथ में बेच दिया 1845 में, 1845 ईस्वी में उनको जो है कि बेच दिया। इस तरह से धीरे धीरे जो है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर समापन हो जाता है, अंत हो जाता है। इसके बाद जो अगली कंपनी भारत के अंदर आई वो थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी भारत में 1616 एडी में आई, यानी कि 1616 ईस्वी में आई। और यह कंपनी जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मुख्यतः मेन रूप से यह डेनमार्क की कंपनी थी। कहाँ की थी? डेनमार्क की कंपनी थी। यह भारत के अंदर जो है कि 1660 में आई, यानी कि 1616 ईस्वी में आई। और भारत के अंदर इसने अपना सेटलमेंट 1620 में, यानी कि 1620 ईस्वी में तमिलनाडु में एक जगह है टेनक्वे बार जो है वो तंजौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तमिलनाडु में, यहाँ पे इसने अपना जो है सेटलमेंट क्या किया, एस्टेब्लाइज किया, स्थापित किया। और दूसरा सेटलमेंट जो है वो सिरामपुर बंगाल में जो है कि ये पड़ता है सिरामपुर, वहाँ पे स्थापित किया। हालांकि जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत के अंदर बहुत समय तक जो है कि यहाँ पे नहीं रह पाई, है ना, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है कि फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी जो थी उनके सामने जो है कि ये टिक नहीं पाई, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई, है ना, इन्होंने जो है कि उसको खदेड़ दिया जो भारत से, और ये वो जो है कि बहुत दिन तक भारत के अंदर नहीं रह पाई। अब हम लोग जानते हैं कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत में
आई कैसे, आने का उसके शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर फ्रांसिस ड्रेक। सर फ्रांसिस ड्रेक एक व्यक्ति थे ब्रिटिश के, वो जो है नेविगेटर थे, यानी कि वो नाव चलाते थे पानी का, जो है कि जो जहाज वगैरह होती है ना, तो वो चलाते थे। उन्होंने किया क्या कि 1579 में, यानी कि 1579 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों का एक पानी का जहाज इन्होंने क्या किया, पकड़ लिया। पुर्तगालियों का एक पानी का जहाज इन्होंने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद अपने कैप्चर में जब लिया तो उन्होंने क्या किया कि इसकी तलाशी ली, और जब इन्होंने इसकी तलाशी ली तो उस जहाज से, उस पानी के जहाज से इन लोगों को बहुत सारी जो है कि चीज़ें मिली है ना। तो जैसे कि उन सारी चीज़ों में जो प्रमुख चीज़ थी उन लोगों के लिए है ना, जो मेन चीज़ थी उन लोगों के काम आने लायक, वह था फ्यू मैप, यानी कि कुछ नक्शे थे, कुछ नक्शे। और उस नक्शे ने ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको यह बता दिया कि भारत के अंदर एक देश है भारत, वहाँ पे जाने के लिए रास्ता जो है वो केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका के सबसे लास्ट में नीचे साइड में पड़ता है, केप ऑफ गुड होप एक जगह है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, वहाँ से होकर के एक रूट जाती है, वो जाती है कहाँ, इंडिया में। और वही जो मैप थी वह यह भी रिवील करती, यह भी भेद प्रकट करती है कि भारत में कितना वेल्थ है, कितनी संपत्ति है, यानी कि वो मैप जो थी उसके थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आने का रास्ता पता चला और भारत की संपत्ति के बारे में पता चल गया। और जब फ्रांसिस ड्रेक ने ये कहानी, ये मैप वगैरह ले जा करके ब्रिटेन में पहुँचे और अपनी महारानी जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी वहाँ की महारानी, उनको सारी चीज़ों के बारे में बताया, वो मैप दिखाया, तो फिर उन महारानी ने क्या किया कि इन लोगों को इनक्रेज करना शुरू किया, उत्साहित करना शुरू किया, जो भी समुद्री यात्रा करने वाले लोग थे उन लोगों को उत्साहित करना शुरू किया कि भैया तुम लोग क्या करो, जल्दी से जल्दी जो है इंडिया में पहुँचो व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, जल्दी से जल्दी इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन बनाओ तुम लोग। और इसके मद्देनज़र जो है कि सन 1600 में, 1600 ईस्वी में महारानी जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी उनके आदेश से एक कंपनी बनाई गई जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ये कंपनी, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आप ये मतलब ना समझिएगा कि कंपनी का मतलब कोई जो है कि कारखाना था, ये कारखाना नहीं था, बल्कि कुछ बिजनेसमैन थे, उनका एक ग्रुप था है ना, उनका एक ग्रुप था जिसने कि मिल करके जो है एक कंपनी बनाई थी है ना, उसी को कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन लोगों को जो है कि महारानी का जो है अनुमति प्रदान था भारत में आकर के बिजनेस करने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी ने रानी से, जो ब्रिटेन की महारानी थी उनसे चार्टर ग्रांट किया था, यानी कि विशेषाधिकार प्राप्त किया था भारत में आने के लिए। ठीक है, भारत में आने के लिए इन्होंने क्या किया था कि विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया था रानी से। और उसके बाद पहली बार 1608 में, यानी कि 1608 ईस्वी में एक व्यक्ति जो है व्यापारिक आदेश प्राप्त करने के मकसद से भारत आया, ब्रिटेन से भारत को भेजा गया, उसका नाम था विलियम हॉकिंस 1608 में जो है कि भारत में आया। और आपको मालूम होगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि 1608 में किसका शासनकाल था, 1608 में जहांगीर का शासनकाल था, आपको पता है ना। तो उस समय जहांगीर का शासनकाल था जब विलियम हॉकिंस जो है भारत में व्यापारिक आदेश जहांगीर से प्राप्त करने के लिए आया था। तो 1608 में जो है कि विलियम हॉकिंस को जो है परमिशन दे दिया गया कि भैया ऐसा करो कि अपना जो पोस्ट है वो तुम सूरत में स्थापित कर लो व्यापार करने के लिए, लेकिन एक शर्त रहेगी, जहांगीर ने एक शर्त रखी कि आपको जो है मुगल दरबार में अपना एक अम्बेसडर जो है मुगल दरबार में रखना होगा, मुगलों के दरबार में रखना होगा। इस तरह से 1608 में जो है कि सूरत के में जो है कि एक फैक्ट्री स्थापित की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि अंग्रेजों ने। उसके बाद 1615 ईस्वी में, 1615 में शर्त के मुताबिक सर थॉमस रो,
सर थॉमस रो, इसको सर थॉमस रो भी कहते हैं, इसके दो मतलब दो तरह से लोग उसको बुलाते हैं, सर थॉमस रो और सर थॉमस रो। तो उसको जो है कि अम्बेसडर बना करके मुगल दरबार यानी कि जहांगीर के दरबार में भेजा गया एज अ अम्बेसडर। और जो सूरत में ये फैक्ट्री बनी थी, यह फैक्ट्री कोई मैन्युफैक्चर का जगह नहीं था, यानी कि निर्माण का जगह नहीं था, यहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता था, बल्कि क्या होता था यहाँ पे कि जो है कि वेयर हाउस था। वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन, है ना। यहाँ पे जो सामान ब्रिटेन से आते थे भारत में बेचने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उन सामानों को इस जगह पे क्या किया जाता था, स्टोर कर के रखा जाता था। और इसके अलावा यहाँ पे जो होते थे ऑफिसेज होते थे, यानी कि फैक्ट्री की देखरेख के लिए, बिजनेस की देखरेख के लिए, मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे क्या होते थे, कुछ जो है ऑफिसेज थे, उसके बाद जो है कि धीरे धीरे यहाँ पे रेसिडेंशियल क्वार्टर बनने लगे, यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकारी थे ना, उनके लिए जो है कि रहने के लिए क्वार्टर वगैरह बनने लगे, एम्प्लॉइज़ के रहने के लिए क्वार्टर वगैरह बनने लगे। और जो व्यापार करने की मुख्य छूट, जो प्रमुख कंसेशन जो है कि व्यापार करने की मिली, वह इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1770 में, यानी कि 1717 ईस्वी में फरूख सियर ने प्रदान किया। फरूख सियर जो मुगल सम्राट था, उसने इनको जो है कि कंसेशन दिया कि बंगाल के अंदर और कुछ अन्य एरिया में आप जो है कि पूरी तरह से जो बिना जो है कि टैक्स चुकाए आप जो है कि व्यापार कर सकते हैं। बस इसके बदले मैं आपको एक पास मैं प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, जिसको कि दस्तक कहते हैं। फरूख सियर ने वो उसको जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड करा दिया, है ना, दस्तक। उसके सहारे ये लोग उस पास को दिखा करके वो जो है पूरे इलाके में मुक्त व्यापार जो है कि कर मुक्त व्यापार करते थे। और इसके बाद एक और कंपनी आती है भारत के अंदर, जिसको कि हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। यह कंपनी यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1664 में हुई थी, यानी कि 1664 ईस्वी में हुई थी, है ना। और यह जब भारत में आई तो इसने अपना ट्रेड सेटलमेंट इसने सूरत में, मसूली पट्टनम में, है ना, और उसके बाद जो है कि बालासोर में, उसके बाद माहे और जो है कि पुंडुचेरी में, यहाँ पे इसने स्थापित किया, ठीक है। लेकिन जो कंपनी का नेवल बेस था, यानी कि जो जहाज़ें वगैरह इसकी रुकती थी जिस जगह पे, वो कहाँ था, इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर में, यानी कि मॉरिटियस और रीयूनियन का आइलैंड था, द्वीप था, है ना, इंडियन ओशन में। यहाँ पे जो है कि इनकी जहाज़ों का जो बेस था वो यहाँ पे था, लेकिन यह जो लोकेशन था हिंद महासागर का वो डिस्टेंट था, यानी कि ये जो जगह था वो फेवरेबल नहीं था, सुनसान था, एकांत था, है ना, जो है कि दूरी भी अधिक पड़ती थी, इस वजह से यह जगह जो है कि सूटेबल नहीं था इसके इन लोगों के लिए, फ्रांसी अधिकारियों के लिए जो है कि यहाँ पे रुकने के लिए, है ना। तो इससे इनको थोड़ी सी बिजनेस करने में जो है कि कठिनाई होती थी, वो हेल्पफुल नहीं होता था। उसके बाद जो है कि जब इनका गवर्नर बन के डुप्लेक्स भारत में आया, यानी कि फ्रांसीसी गवर्नर जो जब डुप्लेक्स जो है भारत में आया, उस दौरान जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो पावर था वह अत्यधिक बढ़ा। डुप्लेक्स ने जो है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था उसको अत्यधिक बढ़ा दिया। इस समय तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो बिजनेस था विशेष मतलब कि किसी सीमित क्षेत्र में या राज्य में हुआ करता था। उसके बाद कंपनी के अंदर जो है कि एम्बिशन जो जगी कि नहीं, हमारा बिजनेस जो है कि और अधिक फैलना चाहिए, और अधिक फैलाने के लिए हमें और अधिक राज्यों में बिजनेस करने की अनुमति जो है कि मिलनी चाहिए। तो इसके लिए जो है कि कंपनी ने धीरे धीरे क्या किया कि स्ट्रगल शुरू कर दिया, एक संघर्ष शुरू कर दिया टेरिटरीज़ के लिए, यानी कि क्षेत्रों को में अनुमति पाने के लिए, व्यापार करने के लिए। और इसके लिए धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनी का जो इंडियन रूलर्स थे उनके साथ वाद विवाद और संघर्ष, लड़ाई, युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, धीरे धीरे शुरू हो गया। और इस तरह से क्षेत्र को पाने के लिए मतलब कि किसी नए क्षेत्र में बिजनेस करने के लिए, क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए जो पहला युद्ध ब्रिटिशों ने लड़ा था वह था प्लासी, है ना, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी आप जानते हो कि कहाँ पड़ता है, बंगाल में,
है ना, वहाँ उस क्षेत्र को जो है कि प्राप्त करने के लिए है ना, उसने जो है कि अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक युद्ध लड़ा, पहला युद्ध जिसको कि बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था बंगाल के मामले को लेकर के हुआ था ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि नहीं, बंगाल में जो है कि हमें फर्रुख सियर ने, हमने आपको पहले बताया था कि फर्रुख सियर ने 1717 में 1717 ईस्वी में जो है बंगाल में व्यापार करने के लिए एक जो है कि कार्ड है ना, एक जो है कि पास दे दिया था, जिसको हमने बताया था कि उसको दस्तक के नाम से जाना जाता था। वो जो है कि येलो कलर का एक पास होता था। ठीक है, तो उसने उसको दे दिया गया था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई कि जो पास फर्रुख सियर के द्वारा दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वह दिया गया था सिर्फ कंपनी को कि कंपनी अपना बिजनेस करेगी, है ना, केवल कंपनी, और कोई इंडिविजुअल इस पास का इस्तेमाल नहीं कर सकता है व्यक्तिगत व्यापार करने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जो कंपनी के अनएम्प्लॉय थे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अनएम्प्लॉय थे, अन्य ऑफिसर्स थे कंपनी के लिए, तो बिजनेस वो करते थे, साथ ही वो कुछ प्राइवेट चीज़ों को खरीद करके, व्यक्तिगत रूप से कुछ चीज़ों को खरीद करके उसी पास से वह जो है कि पास जो है कि बाहर जो है कि एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। तो इस तरह से जो बंगाल का राजस्व था, है ना, जो ट्रेजरी था बंगाल का, उसको काफ़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि वो पास दिया गया था सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, लेकिन उसका गलत तरीके से जो है कि मिसयूज हो रहा था। उसके अधिकारी अपना व्यक्तिगत माल जो है कि व्यक्तिगत जो गुड्स था उसको जो है कि एक्सपोर्ट कर रहे थे और उससे फ़ायदा कमा रहे थे, जिससे कि राजस्व को नुकसान हो रहा था। तो उस तत्कालीन समय में जो नवाब था बंगाल का, सिराजुद्दौला, उसने जो है कि इसके लिए मना किया कि नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसके चलते जो है जो ये पास का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसके चलते हमारे राजस्व को काफ़ी नुकसान हो रहा है। लास्ट में ये बात विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध तक पहुंच गया, और एक युद्ध जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, नवाब सिराजुद्दौला के बीच बंगाल का, जिसको कि प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में जो था वो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो था वो बुरी तरीके से पराजित हुआ, और पराजित होने के बाद यही जो पराजय हुई उसी ने क्या कर दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है रास्ता दे दिया बंगाल के लिए, और पूरी तरह से बंगाल के व्यापार पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और इस विजय के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण बंगाल में व्यापार करने का पूरा छूट तो पाल ही लिया, पूरा अधिकार पा ही लिया, साथ ही साथ इसी प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने जो है धीरे धीरे है ना अपना जो भारत की जो पॉलिटिकल पावर थी उसको उस पर जो है कि ये कंट्रोल करना शुरू जो है कि दिमाग में अपने ला दिए कि हमको इसके भारत के जो पॉलिटिकल पावर है उसको अपने कंट्रोल में लेना है। हालांकि ये पूर्ण रूप से जो है इसकी शुरुआत जो है 1765 यानी बक्सर के युद्ध से बाद हुई, लेकिन इसका बीजारोपण है ना यहीं से शुरू हो गया प्लासी के युद्ध के बाद से। बाकी जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।